एमसी मुर्मू पूर्व मेंबर एमसीपी यूनाइटेड। आप जो है जंतर मंतर पर 20 साल धरना रखने के लिए आए हैं, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी पार्टी ने ये सारे देश के अंदर एक अभियान चलाया था, 13 सूत्री प्रोग्राम है, उसके अंदर बीजेपी सरकार की जो लोक विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हम देश के अंदर एक लोक लहर उतारना चाहते हैं। उनके मुख्य तौर पर जो खेती बाड़ी सेक्टर है वो बहुत देश के अंदर मर रहा है, किसानों को सिर्फ बहुत कर्जा है और किसानों को उनके जिनसों के ठीक दाम नहीं मिल रहे। सरकार ने कहा था कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू करेंगे, पर मोदी सरकार को करेंगे। तो आज 70% लोग जो खेती बाड़ी पर निर्भर है वो मर रहे हैं, सरकार को फिक्र नहीं है। और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका 12 लाख करोड़ रुपया NPA करके बड़ा खर्चा करके माफ कर दिया है। और दूसरी बात, हम मजदूरों की करना चाहते हैं, क्योंकि एक एक करके जो पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है, प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे को, एयर इंडिया को, दूसरी चीज को, मजदूरों बहुत ज़्यादा बेकार है। देश के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है, पिछले 45 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश के अंदर आ गई। और अकेले 2018 में सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 1.90 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोजगार देश के अंदर। तीसरी बात, जो देश का अर्थचारा है ये सरकार गुमराह कर रही है, देश में मेल्टडाउन है, स्लो डाउन है। तो 2008 में मंदी वर्ल्ड में आई थी, आज हमारे देश में उन्नति का दौर है, इसके अंदर देश का विकास लगातार गिर रहा है और सरकार को फिक्र नहीं है। इन मांगों के ऊपर जो सरकार है लोगों का ध्यान उठाना चाहती है। कभी NRC की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं, कभी बालाकोट की बात करते हैं, लोगों का इनसे मिलना कोई नहीं है। और संविधान को, जमहूरी को बिल्कुल महज नाश किया जा रहा है, RBI को खत्म किया जा रहा है, CBI को खत्म किया जा रहा है, बिजनेस को खत्म किया जा रहा है, एक एक करके जो जमहूरत की इंस्टीट्यूट है उनको खत्म कर रही है, देश के पूरी ढांचे को। आपको क्या लगता है कि धारा 370 बालाकोट और सेना के नाम पे क्या देश में तरक्की नहीं हो रही है? धारा 370 जब ली थी तब उन देश को नाम के लोगों ने हिंदुस्तानी की सरकार से वादा किया था कि अगर कोई इसमें चेंज होगी तो लोगों की विशेष के अनुसार होगी और उनकी असेंबली इसको पास करेगी। इवन UNO में भी हुआ था, आज उसको ये किया था। अगर वो हिंदुस्तान ठीक किया है तो कश्मीर के लोग खुश क्यों नहीं आए? वहाँ तो कंप्यूटर की सिचुएशन है, इतने महीने स्कूल नहीं खुले, मार्केट नहीं खुली, तो तमाम लीडर पार्टी उसको मदद करके ठीक हुई। किस तरीके से मोदी की बार बार विकास की बात करते हैं कि देश विकास की ओर है, क्या लगता है आपको, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? सरकार नहीं जी है, सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है, सरकार लोगों का धीरे में रखना चाहती है। वहाँ जो फॉरन डेलीगेशन तो आ सकते हैं, हम सारे देश के पार्लियामेंट का डेलीगेशन नहीं चाहते, आगे ठीक है जो वहाँ की स्थिति को पता चल सके। अगर स्कूल खुले हैं तो स्कूलों में भी बच्चे क्यों नहीं जाते, हर स्कूल लोग दिक्कत क्यों नहीं करते? तो कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है वहाँ की हुई, तो सरकार का मंडल है अब तक लोगों को विश्वास नहीं दिया जाता। आपको क्या लगता है कि क्यों मोदी जी देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं? मोदी सरकार जो है आज की डेट में जितनी भी समस्या है, क्योंकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो लोगों के आर्थिक इकोनॉमी है जिसमें स्लो डाउन है, खेती बाड़ी संकट है, बेरोजगारी है, तो कम्युनिज्म बनाया हुआ है, तो इससे लोगों का डाइवर्ट करते हैं, एनआरसी की बात करते हैं और करते हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अपने आप में श्रेय ले रही है कि किसानों को कर्जा माफ कर रहे हैं और बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल झूठ है, कहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो जहां आप महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन हुई है वहाँ सरकारें मुद्दा नहीं बना सकी, आपको पता है, चाहे बालाकोट हो, 370 हो, वहाँ मुद्दा नहीं बना सकी और फिर मेजोरिटी से महाराष्ट्र में हरियाणा में भी हो रही है। तो इसलिए डाइवर्ट करने के लिए अभी लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं देशी कोशिश के ऊपर और जो सरकार की मैं कहूँगा बुद्धि गिनती शुरू हो रही है, जैसे UPA 2 भी थी, NDA 2 भी, जब बुद्धि गिनती शुरू हो रही है, वहाँ मोदी को मार पड़ने वाली है।
अभी जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र की बात करी, महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा और परसों सुनने में आया कि बीजेपी और एनसीपी ने मिलकर के सरकार बना ली, यानी कि बीजेपी सरकार फिर से आ गई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, तो क्या लगता है आपको सुनवाई क्या करने वाले? कत्ल है जिस तरह मुंबई है उग्रवादी, तो दूसरे पास तीन पार्टी है उन्होंने नंबर अपने शो किए हैं, तो उनके पास मेजोरिटी है, तो बिल्कुल जमहूरियत का कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों लेटर लेकर के आओ, तो ऐसे एकदम तो जो राज्यपाल ने ये कदम उठाया था, जो उनका प्रधान मुख्यमंत्री घोषित किया फडणवीस को, क्या ये उनका फैसला गलत था? देखो गवर्नर तो सरकार का पद होता है, ये सब जो गवर्नर है केंद्र सरकार की चलते उनके पद है, तो वो उसके अनुसार नहीं चलते चाहिए। तो ये है कि बेसिक है, देखो मुंबई केस है, दूसरे केस है जिनमें द मेजोरिटी होता है, टेस्ट होगा फ्लोर होता जो मेजोरिटी है, हाँ हो जाए तो इसके लिए वो भी करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही करना है। तो ऐसा करके वो जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, ये वैसे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है, ये अपोजिशन मुक्त भी चाहती है, और ये उनका सपना पूरा नहीं होगा। आपको क्या लगता है बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो इस नारे पे कितना खरा उतरता है? सबका साथ कॉर्पोरेट सेक्टर का साथ है, बड़े लोगों का साथ है, जो इंपीरियलिज्म का साथ है, कैपिटल का साथ है, और आम लोगों का साथ नहीं है। आम लोगों में तो गरीबी अपनी का बड़ा पड़ रहा है। क्या लगता है आपको 2000 अभी जो 2020 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई? यस, पक्का हो गया इसमें, क्योंकि अब लोगों ने देख लिया कि मोदी के जो लच्छेदार भाषण थे वो लोगों को कुछ देने वाले नहीं है। ये देश को जो आतंकवाद का खतरा है, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, भटके हुए मुद्दे पछड़ गए हैं, ये मुद्दे देश के लोगों के नहीं है। देश लोगों के मुद्दे भ्रष्टाचार का मुद्दा, खेती बाड़ी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बीपी बिरी का पड़ा, ये मुद्दे हो गए। जिस तरीके से दो बार बीजेपी सरकार ईवीएम को लेकर के ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती है, आपको क्या लगता है कि दूसरी पार्टियां इसका विरोध भी नहीं कर रही है, दूसरी पार्टियों को कुछ मिल सकती है इसके रहते हुए ईवीएम के रहते? देखो ईवीएम तो ऐसा है कि ईवीएम में जो संसार में तो बड़े देशों में है नहीं, जो बिल्कुल अमीर देश भी है वहाँ ईवीएम से वोट कहीं नहीं है, ये केवल भारत है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो है जिस करके कुछ हो रहा है, तो यहाँ मांग कर रही है अपोजिशन, क्यों नहीं होना चाहिए? अपोजिशन मांग करती है कि बेल्ट पेपर से हो जाओ, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐतराज है? इलेक्शन कमीशन को ऐतराज है? अगर जो पेपर वो है, पेपर ट्रेल है, उसकी गिनती हो जाए तो क्या ऐतराज है? और ये इलेक्शन कमीशन भी पपट है, सबको पपटा नहीं होता। तो आप अपने माध्यम से क्या क्या सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? तो हम तो देश के अंदर जो बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इन्होंने देश के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो एंटी पीपल है, एंटी नेशनल है, वो शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी इनको बढ़ा रही है, उसी की बदौलत है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन्फ्लुएंस हो रही है, बीपी बिल का बड़ा बड़ा है, बेरोजगारी हुई है, खेती बाड़ी सेक्टर का मंदा हाल हुआ है। हम तो चाहते हैं उनको रिवर्स किया जाए पॉलिसी को, जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है, और उनके खिलाफ देश के अंदर एक नेट पॉलिसी हो, और तभी इसका टक्करा किया जा सकता है। ये हमारा थैंक यू।